स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इस निबंध के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। लेखक का यह निबंध उन लोगों की चेतना जागृत करने के लिए है जो स्त्रियों की शिक्षा को व्यर्थ मानते हैं। उन लोगों के अनुसार शिक्षित स्त्री समाज के विघटन का कारण बनती है। इस निबंध की विशेषता यह है कि परंपरा का जो हिस्सा सड़ या गल चुका है उसे बेकार मानकर छोड़ देने की बात कही गई है। लेखक के समय में कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग थे जो स्त्री शिक्षा को घर और समाज दोनों के लिए हानिकारक मानते थे। इन लोगों का काम समाज में बुराइयों और अनीतियों को समाप्त करना था। स्त्री शिक्षा के विरोध में ये लोग अपने कुछ तर्क प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार प्राचीन भारत में संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियां गंवार भाषा का प्रयोग करती थीं, इसलिए उस समय भी स्त्रियों को पढ़ाने का चलन नहीं था। कम पढ़ी लिखी शकुंतला ने दुष्यंत से ऐसे कटु वचन बोले कि अपना सत्यानाश कर लिया। यह उसके पढ़े लिखे होने का फल था। उस समय स्त्रियों को पढ़ाना समय बर्बाद करना समझा जाता था। लेखक ने इन सब व्यर्थ की बातों का उत्तर दिया है, यानी कि जो लोग ऐसे तर्क देते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, उन लोगों की ऐसी ऐसी बातों का उत्तर इस निबंध में उन्होंने दिया है। नाटकों में स्त्रियों का संस्कृत न बोलना उनका अनपढ़ होना सिद्ध नहीं करता। वाल्मीकि की रामायण में जब बंदर संस्कृत बोल सकते हैं तो उस समय स्त्रियां संस्कृत क्यों नहीं बोल सकती थी? ऋषि पत्नियों की भाषा तो गंवारे जैसी नहीं हो सकती। कालिदास और भवभूति के समय तो आम लोग भी संस्कृत भाषा बोलते थे। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उस समय बोलचाल की भाषा प्राकृत नहीं थी। प्राकृत भाषा में बात करना अनपढ़ होना नहीं था। प्राकृत उसमें की प्रचलित भाषा थी, इसका प्रमाण बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथों में मिलता है। इसलिए प्राकृत बोलना और लिखना कोई अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। कोई भी भाषा ये नहीं बताती है कि पढ़ाई लिखाई की है या नहीं की है उस व्यक्ति ने। तो इसमें निबंध में यही कहा गया है कि प्राकृत बोलने से ये सिद्ध नहीं होता कि वो लोग अनपढ़ थे। गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित ये ग्रंथ जो हैं ये सब प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। यदि इनको लिखने वाले अनपढ़ थे, यानी अगर हम आज हिंदी पढ़ रहे हैं तो अगर हम अनपढ़ कहे जाएं तो ये ठीक नहीं है। अगर ऐसा है तो आज के अखबार के सभी संपादक अनपढ़ हैं। वे अपनी अपनी प्रचलित भाषा में अखबार छापते हैं। किसी भी एक भाषा का पढ़ा होना ही पढ़े लिखे होने का तर्क नहीं हो सकता। जिस तरह हम बांग्ला, मराठी, हिंदी बोल पढ़ और लिख कर स्वयं को विद्वान समझते हैं, उसी तरह उस समय पाली, मगधी, महाराष्ट्री और शौरसेनी ये भाषाएं जो थी वो चलती थी और इन्हें पढ़कर ही लोग सभ्य और शिक्षित हो सकते थे। जिस भाषा का चलन होता है वही बोली जाती है और उसी भाषा में साहित्य भी मिलता है। उस समय के आचार्यों के नाट्य संबंधी नियमों के आधार पर पढ़े लिखे होने का ज्ञान नहीं हो सकता। जब ये नियम बने थे उसमें संस्कृत सर्वसाधारण की बोलचाल भाषा नहीं थी, इसलिए उच्च पात्रों से नाटकों में संस्कृत और स्त्रियों और अन्य पात्रों से प्राकृत भाषा का प्रयोग कराया जाता था। उस समय स्त्रियों के लिए विद्यालय थे या नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, परंतु इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्त्रियां अनपढ़ थीं और असभ्य थीं। कहा जाता है कि उस समय विमान होते थे जिससे कहीं भी जाया जा सकता था, परंतु हमारे शास्त्रों में इसके बनाने की विधि कहीं भी नहीं दी गई है। इससे उस समय जहाज होने की बात तो इनकार नहीं कर सकते, अपितु गर्व ही कर सकते हैं। फिर यह कहाँ न्याय है कि उस समय की स्त्रियों को शास्त्रों के आधार पर मूर्ख, असभ्य और अनपढ़ बता दिया जाए। हिंदू लोग वेदों की रचना को ईश्वरकृत रचना मानते हैं।
यानी कि ये माना जाता है कि वेद जो रचे हैं वो ईश्वर ने रचे हैं। ईश्वर ने भी मंत्रों की रचना स्त्रियों से ही करवाई है। जितने भी हमारे सांस्कृतिक और पौराणिक मंत्र हैं वो सब किसने रचे हैं? स्त्रियों ने ही रचे हैं। प्राचीन भारत में ऐसी कई स्त्रियां यदि आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी जिन्होंने बड़े बड़े पुरुषों से शास्त्रार्थ किया और उनके हाथों के द्वारा सम्मानित हुई। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना लिखी हुई है। उन स्त्रियों को सभी प्रकार के काम करने की इजाज़त थी, तो उन्हें पढ़ने लिखने से क्यों रोका जाता? स्त्री शिक्षा विरोधियों की ऐसी बातें समझ में नहीं आती हैं। अत्रि की पत्नी, अत्रि ऋषि हैं, उनकी पत्नी, मुंडन मिश्र की पत्नी, गार्गी ऋषि की पत्नी आदि विदुषी नारियों ने अपने पांडित्य से उस समय के बड़े बड़े आचार्यों को मात दी। तो क्या स्त्रियां, जो स्त्रियां हैं ये, इन्हें कुछ बुरा परिणाम मिला? यह सब उन लोगों की गढ़ी हुई कहानियां हैं जो स्त्रियों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, जिनका अहंकार स्त्री को दबाकर रखने से संतुष्ट होता है और वे स्त्री को बराबरी का अधिकार देना नहीं चाहते हैं। यदि उनकी बात भी ली जाए तो पुराने समय में स्त्रियों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु आज बदलते समय के साथ स्त्री शिक्षा अनिवार्य है। जब हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए कई पुराने रीति रिवाज तोड़ दिए तो इस पद्धति को हम क्यों नहीं तोड़ सकते? यदि उन लोगों को पुराने समय में स्त्रियों को पढ़े होने का प्रमाण चाहिए तो श्रीमद् भागवत गीता दशम स्कंद में रुक्मिणी के हाथ का लिखा हुआ कृष्ण को पत्र बड़ी विद्वता से भरा है। यह उसके पढ़े लिखे होने का प्रमाण नहीं है क्या? वे लोग भागवत की बात से इनकार नहीं कर सकते। स्त्री शिक्षा विरोधियों के अनुसार यदि स्त्रियों को पढ़ाने से कुछ बुरा घटित होता है तो पुरुष पढ़ेंगे तो भी बुरा हो सकता है। समाज में होने वाले सभी बुरे कार्य पढ़े लिखे पुरुषों की देन है, तो क्या पाठशालाएं कॉलेज बंद कर देने चाहिए? शकुंतला का दुष्यंत का अपमान करना स्वाभाविक बात थी। एक पुरुष स्त्री से शादी करके उसे भूल जाए और उसका त्याग कर दे तो क्या वह स्त्री चुप बैठेगी? वह अपने विरुद्ध किए अन्याय का विरोध तो करेगी, यह कोई गलत बात तो नहीं थी। सीता जी जो हैं वो शकुंतला से अधिक पवित्र मानी जाती हैं। उन्होंने भी अपने परित्याग इसमें राम जी पर आरोप लगाए थे कि और उन्होंने सबके सामने अग्नि में कूदकर अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया था, फिर लोगों की बातें सुनकर उसे क्यों छोड़ दिया गया? यह राम जी के कुल पर कलंक लगाने वाली बात है। सीता जी तो शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली थी, फिर उन्होंने अपने विरुद्ध हुए अन्याय का विरोध अनपढ़ों की भांति क्यों दिखाया? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। जब मनुष्य अपने विरुद्ध हुए अन्याय के विरोध में आवाज उठाता है तो वह इस भाषा का प्रयोग कर सकता है, यानी विद्रोही भाषा का प्रयोग कर सकता है। पढ़ने लिखने से समाज में कोई अनर्थ नहीं होता। अनर्थ करने वाले अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों तरह के हो सकते हैं। अनर्थ का कारण दुराचार और पापाचार है। स्त्रियां अच्छे बुरे का ज्ञान कर सकें उसके लिए स्त्रियों को पढ़ाना आवश्यक है। जो लोग स्त्रियों को पढ़ने लिखने से रोकते हैं उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। स्त्रियों को अनपढ़ रखना समाज की उन्नति में रुकावट डालता है। शिक्षा शब्द का अर्थ बहुत विस्तृत है, उसमें सीखने योग्य सभी कार्य समाहित हैं और पढ़ना लिखना भी उसी में शामिल है। यदि वर्तमान की शिक्षा प्रणाली के कारण लड़कियों को पढ़ने लिखने से रोका जाए तो यह ठीक नहीं है। इससे तो अच्छा है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया जाए। लड़कों की भी शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, फिर स्कूल कॉलेज बंद क्यों नहीं कर दिए? दोहरे मापदंड से समाज का हित नहीं हो सकता। यदि विचार करना है तो स्त्री शिक्षा के नियमों पर विचार करना चाहिए। उन्हें कहाँ पढ़ाना चाहिए, कितनी शिक्षा देनी चाहिए, किससे शिक्षा दिलानी चाहिए, परंतु यह कहना कि स्त्री शिक्षा में दोष है यह पुरुषों के अहंकार को सिद्ध करता है। अहंकार को
बनाए रखने के लिए झूठ का सहारा लेना उचित नहीं है। यह इस निबंध में बताया गया है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था, जो खुद एक आचार्य थे। तो इस प्रकार से अगर आपको निबंध पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर इसमें और कुछ सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।